वाला यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग आए हैं इंडिया का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क अन्ना जूलॉजिकल पार्क वंडलूर चेन्नई इधर। तो चलो चलते हैं यहाँ पे कौन से एनिमल्स है वो देखने के लिए। आपको ये जूलॉजिकल पार्क घूमना है तो आपको यहाँ पे गाड़ी की व्यवस्था की गई है। जो यहाँ पे जो गाड़ी है ये गाड़ी से आप जा सकते हैं और उसका टिकट है 100 रुपया और छोटे बच्चों का 50 रुपया। ये इतना बड़ा है कि यहाँ पे घूमने के लिए आपको एक गाड़ी की जरूरत लगती है और यहाँ पे साइकिल्स भी अवेलेबल है। आप साइकिल लेके भी ये जूलॉजिकल पार्क घूम सकते हैं। साइकिल मिल जाएगी, 30 रुपया टिकट है साइकिल का, लेकिन हम लोग साइकिल और गाड़ी नहीं लेंगे, हम लोग पूरा एरिया चल के घूमेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिखता है नीलगिरी लंगूर जो अभी हमको कहाँ पे दिख नहीं रहा है, इधर भी नहीं दिख रहा है। हाँ दिख गए, देखो ये देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखिए देखिए ये देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं नीलगिरी लंगूर। चलते चलते हम लोगों को दिखा है मोर, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मोर बैठा हुआ है।
हम लोग अभी इतना आधा घंटा हो गया हम लोग ये घूमे हैं, लेकिन अभी तक ये आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी आप लोगों को बहुत घूमना है। अभी हम लोग खाली बर्ड का जो पक्षी रखते हैं उनका एरिया में थे, अभी हम लोग जो जंगल में बड़े प्राणी रहते हैं उनके एरिया में जाएंगे। ये देखो यहाँ पे आराम कर रहा है वो बंगाल टाइगर, देखा उसका आराम करने का टाइम है अभी, तो हमको थोड़ा सा ही दिख रहा है। दोस्तों अभी एक से डेढ़ घंटा हो गया, हम लोग अभी आधा से ज़्यादा पार्क देख चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे एरिया में, हमने दिखा तो आपको, अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वेस्टर्न। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको असली चीज, सी देखिए ये है असली चीज। ऐसा लग रहा है भाई, सब क्रोकोडाइल सोई हुई है, दोपहर के टाइम पे सब आराम कर रहे हैं। जिराफ, इसका शेप देख के तो पता चल ही गया होगा कि दोस्तों एक एक्वेरियम है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है।
दोस्तों, 3 घंटा घूमने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ये जो अरिंगर अन्ना जू पार्क है, ये इंडिया का सबसे बड़ा जू पार्क है और यहाँ पे हर तरह के एनिमल आपको देखने को मिलेंगे, आप अपने वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।